हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उत्तेज मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक्निकल तेज चैनल। दोस्तों, BSNL ने 19 रुपये का एक रिचार्ज निकाला हुआ है। अभी तक ये कुछ ही स्टेट में अवेलेबल था, मगर अभी ऑल इंडिया में अवेलेबल होने वाला है जल्द ही। आपको आपके सिम अगर आपके पास BSNL का है, अगर रिचार्ज करने जाएंगे तो शो होगा, वहाँ पर आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी 19 रुपये के रिचार्ज के बारे में बताएंगे और यहाँ पे ये बताएंगे कि अगर आप आपके पास कोई सिम है, ऐसे अल्टरनेटिव सिम जिसको आप सिर्फ एक्टिव रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, तो ये प्लान उसके लिए सबसे बेस्ट है। आप इसको यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले प्लान के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ 19 रुपये का आप रिचार्ज करेंगे, इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 30 डेज़ की होगी, एक महीने तक चलेगा। और उसमें आप कॉल भी कर पाएंगे, कॉल करने का जो चार्जेस है ऑन नेटवर्क पे 20 पैसा और ऑफ नेटवर्क पर, मतलब दोनों, चाहे आप BSNL बात करिए या किसी अदर नेटवर्क बात करिए, 20 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से यहाँ पे कॉल की जो है रेट लगेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे SMS वगैरह भी आएगा, ऐसा नहीं है कि SMS नहीं आएगा। ट्राई का न्यू रूल है कि अब किसी भी प्लान में जो वैलिडिटी वाले प्लान हैं, वॉइस वाले, उसमें SMS आएगा ही आएगा, तो आप इसके लिए टेंशन मुक्त रहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे बताते हैं कि आपके लिए 19 रुपये का प्लान क्यों बेस्ट है। गाइस, होता क्या है कि मिनिमम सभी के पास दो सिम तो ज़रूर होता है, या तो घर में किसी ने किसी के पास BSNL तो होगा ही, या 2G नेटवर्क होगा ही। तो अगर एयरटेल का है 2G, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, BSNL पोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, इनके जो प्लान होते हैं वॉइस वाले, जो जिनको जिस सिम को ज़िंदा रखना होता है, वो करीब करीब 100-150 रुपये का आता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए एक साल में, तो आपका करीब यहाँ पे 1500 रुपये तक पड़ता है। और वहीं अगर आप BSNL का BSNL का 19 रुपये का रिचार्ज करके सिम को ज़िंदा रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे एक साल में, तो आपका सिर्फ यहाँ पे 300 रुपये, शायद 19 का आप 12 से गुणा करेंगे तो 250-300 रुपये जो भी है, बस इतना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो सोच सकते हैं 1000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से ये प्लान जो है बेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह BSNL का नेटवर्क अच्छा होता है, जहाँ पे अच्छा है, जैसे आपके एरिया में अच्छा, हमारे जैसे प्रयागराज में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे क्या है, BSNL का अच्छा यहाँ पे नेटवर्क चलता है, नेट भी अच्छा चलता है, मैसेज वगैरह भी आ जाता है तुरंत, बैंक से OTP आ जाता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जगह पर आप पोर्ट कर सकते हैं, और मेरे यहाँ पर भी सिम है, आपके यहाँ नहीं है तो आप पोर्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और आप ये बताइए कि आपको ये BSNL का प्लान कैसा लगा, वो कमेंट में बताइए। तो कमेंट में लिखिए ये भी कि आपके पास BSNL की सिम है कि नहीं है, उससे पता चलेगा लोगों के पास कि BSNL कितना यूज करते हैं लोग। तो गाइस, कैसा लगा प्लान कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब से याद आया कि करीब 90% लोग ऐसे रिटर्न देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किए। तो भाई, सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, तो सब्सक्राइब करके रखें और चैनल को भी, ताकि यहाँ पे सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जिन्होंने कर लिया वो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझसे बात करने के लिए कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए रितेशन34, और वहाँ मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगा कोई दिक्कत होगा।